आऊंगा, मैं बाहर निपटूंगा। हमने इस बार थाने आकर के हमने कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ली, हम उनको कह दिया। देखिए ये क्या हुआ, एक होमगार्ड की लड़की को उसको भगाया, चौरास ग्यारहवीं में पढ़ने वाली लड़की को, कौन है नाई का लड़का, सिरकोट से जब वो फर्नीचर किया वो काम करता था, क्यों राव जी, उसने वहां से भगाया, वहां हमने पकड़ा। अभी यहाँ पे ये नाई का लड़का, वो अमित रावत बनता है नाई का लड़का, सारे जो है हिंदू लड़कियों को ये जो है फंसाने का काम करे, क्यों करे तुम, मतलब ये कौन सा षड्यंत्र है, ये पूरा एक सर्किल बना हुआ जो षड्यंत्र कर रहे हैं हिंदू लड़कियों को फंसा करके। वहां पे बात करी, दो तीन मुद्दे ऐसे हैं। पहला मुद्दा, जिस सलमान नाम के व्यक्ति की हमने बात करी उसको पुलिस तत्काल उठाए, एक उसका, और जो दूसरा लड़का है जो बीएड कर रहा है उसके, क्या नाम है उसका, साकिब, उन दोनों को उठाए, इनके मोबाइल खंगाले, इनसे जो है सबसे पहले ये बात करें। हम उस लड़की के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसने जो है उस लड़की की रिकॉर्डिंग क्यों करी, देखो रिकॉर्डिंग ना मैंने करी ना आपने करी, रिकॉर्डिंग किसने करी, उस सलमान ने, क्यों करी तूने रिकॉर्डिंग, हम ये कह रहे रिकॉर्डिंग क्यों करी, एक बात। नंबर दो चीज, तूने ब्लैकमेल करने के लिए वो हमारी बेटी की रिकॉर्डिंग करी, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी लड़की उसमें बहुत पाक साफ है ना, लेकिन तूने रिकॉर्डिंग इसलिए करी, और मैं ये कह रहा हूं कि अब पुलिस को पता चल जाएगा कि इसके संबंध, कम से कम इसने जो है 15-20 लड़कियों को अपने जाल में फंसा रखा, मैं कंफर्म कह सकता हूं, क्योंकि धीरे 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 सारी मेरे पास वो बातें आई ऐसे। हम लोग नंबर दो चीज, ये जो शहर में इन्होंने गंदगी फैला रखी, जो गंदगी फैला रखी, देखिए आइंदा मैंने वहां पे कह दिया, भाई रुको ना, फर्स्ट कह दिया कि अगली बार मैं थाने नहीं आऊंगा, मैं बाहर निपटूंगा। हमने इस बार थाने आकर के हमने कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ली, हम उनको कह दिया। देखिए ये क्या हुआ, एक होमगार्ड की लड़की को उसको भगाया, चौरास ग्यारहवीं में पढ़ने वाली लड़की को, कौन है नाई का लड़का, सिरकोट से जब वो फर्नीचर किया वो काम करता था, क्यों राव जी, उसने वहां से भगाया, वहां हमने पकड़ा। अभी यहाँ पे ये नाई का लड़का, वो अमित रावत बनता है नाई का लड़का, सारे जो है हिंदू लड़कियों को ये जो है फंसाने का काम करे, क्यों करे तुम, मतलब ये कौन सा षड्यंत्र है, ये पूरा एक सर्किल बना हुआ जो षड्यंत्र कर रहे हैं हिंदू लड़कियों को फंसा करके उनको यहां से भगा। देखो देहरादून में क्या हुआ, धर्म परिवर्तन कर दिया, देहरादून में क्या हुआ, वो हिंदू उसने किराए पे दिया, उठा के ले गया उस लड़की को, और क्या हुआ उसका, सब लोगों ने कहा था उनको कि इनको किराए पे मत दो, कौन है ये, उन्होंने नहीं माने और उनकी लड़की लेके चले, कहां पकड़ेंगे, ये रोएंगे है, ये हमारे बीच में जो घुसे हुए, और कैसे घुसे हुए, हाथ पे इन्होंने बिल्कुल नाला बांधा हुआ, आपके तिलक लगा रखा, माला डाली है, और आपके बीच में लखपत बन के घूम रहे हैं, आपके बीच में, उसने कहा कौन है ये, जयवीर मियां है, उसने कहा ये कौन है, ये जो है माई है, ये कौन है, ये उसने कहा आशीष है, इस प्रकार से घूम रहे हैं। मेरे पास अभी भी इतनी आइडिया आ गई जो हिंदू नाम से चल रही है, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं। नंबर दो चीज, एक व्यक्ति चार चार दुकानें जिसने 2 लाख रुपए किराया दे रहा, भैया आप प्लास्ट इस पे क्या है, इस पे बहुत बड़ा ये फंडिंग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी फंडिंग है जिस कारण से टारगेट किया जा रहा है हिंदू लड़कियों को, और कुछ नहीं है। फिर हमने कहा सब्जी के ट्रकों में 20-20 भर के आ रहे हैं, अगर हमारा एक ये मैक्स वाला टाटा सुमो वाला अगर एक एक्स्ट्रा सवारी होगी ना तो आरटीओ उसको सीज कर देता है, और इनके 20-20 जा रहे, देखो वो रिकॉर्ड हुआ कि नहीं है परसों रुद्रप्रयाग में, यहां भी हम देख रहे हैं, हमने रिकॉर्ड किया रुद्रप्रयाग में, तीन ट्रक उसमें 60 लोग पकड़े गए, उनको ट्रकों को सीज क्यों नहीं किया, कौन है वो लोग, उन्होंने छोड़ दिया उनको, क्यों छोड़ दिया भैया, और हमारी अगर एक गाड़ी होगी उसको तुरंत सीज कर देते हैं, ये कौन सा आरटीओ का है, आरटीओ की मिली भगत है इसमें, मैंने कल भी कहा कि आरटीओ इसमें मिली भगत है, वो जो है टारगेट सिर्फ हम जो सीधे साधे लोग हैं वो है, वहां कुछ नहीं, वहां अच्छा। फिर दूसरी चीज, अगर वो रिस्क केस से चला, अगर वो गाड़ी रिस्क केस से चली है, कितने थाना और कितने चौकियों को क्रॉस करते हुए गई, क्यों नहीं पकड़ा भाई उसको, अच्छा उनके डाले जो है आसमान छू रहे, पीछे भी बाहर निकल रहे, भाई उनको सीज क्यों नहीं कर रहे, उसके अंदर अनगिनत लकड़ी आती है, 2 नंबर की लकड़ी आती है, उसको नहीं सीज किया जाता है। तो हमने ये मुद्दे जो अभी नए एसएसआई आए हैं उन्होंने कहा है
और अगला जो हमारा स्टेप होगा, देखिए मैं तो उस पे फेसबुक पे और वहीं कहा था आप लोग सब जागरूक हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि हिंदू जागरूक हो रहा है। मेरा सबसे निवेदन एक, पहली बात हलाल का मांस खाना छोड़ दीजिए। मेरा आपसे निवेदन, देखिए यहां क्या है, यहां 95% हिंदू है, वो भी थूक के दे रहे हैं। 95% हिंदू है, ठीक है, और 34 दुकानें किसकी है, हलाल की, और उनका गल्ला कितना है, 1.5 लाख। कहां से आ रहा भैया? हम जैसे दोगले हिंदू जो जा रहे हैं हलाल का मांस खा रहे हैं, आर्थिक बहिष्कार करिए, पूजा का सामान उससे खरीदे जो पूजा करता है। पूजा का सामान अगर आपने खरीदे तो पूजा करने वाले से खरीदो भाई। दो चीज, आप रंग खरीदने जाते हैं, रंग उससे खरीदे जो रंग लगाता है भाई, जो रंग लगाता है उससे खरीदो ना रंग। हम अगर कोई भी सामान खरीद रहे हैं हम, अच्छा यहाँ आप लोग देखे प्लम्बर, अति प्लम्बर घुस गए यहाँ, कौन घुसे हुए? प्लम्बर को घुसने से पहले आप उसको जांच पड़ताल करें, भयंकर प्लम्बर घुस गए। हुआ क्या है, वीडियो बनाने दो जो बनाता है उससे क्या है, हम ऐसा है, बनाने दो, वीडियो बनाने दो, अच्छी बात है ना कि वो वीडियो बना रहा है। ऐसा है, देखो मुझे धमकी देने वाला कौन था, पीएचडी करने वाला। देखो ये जितने बड़े होते हैं ना इनकी मानसिकता और घृणित होती है, तो ये जितना पढ़ा लिखा होगा उतना और घृणित होगा। भाई हमारे देश के राष्ट्र उपराष्ट्रपति हुए हामिद अंसारी, उन्होंने क्या बयान दिया था, दो बार, अरे छोड़ो ना उसको, कहां देख रहे हैं आप, करने दो। हमारे उत्तराखंड के राज्यपाल हुए हैं कुरैशी साहब, उन्होंने क्या 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 बयान दिया था, ये जितना बड़ा होगा उतना घटिया होता जाता है। मेरा आप सबसे निवेदन, जैसे हम एकता दिखा रहे हैं, जैसे हम यूनिटी में हैं, अब यूनिटी का दिन आ गया। देखे बहुत सारे लोग ये करते हैं कि फलाने इनको चुनाव लड़ने, इनको राजनीति करने, देखो सुनो मेरा आप सबसे निवेदन, चुनाव हम तब लड़ेंगे जब हमारी बेटियां सही सलामत रहेंगी। चुनाव किसके लिए लड़ना, किसी ने भी हमारे अपने लिए ना, अपने बच्चों के लिए ना, किसके लिए लड़ेंगे चुनाव कोई भी भाई। हमने अपनी बेटी और अपने बच्चे जब तक हमारे सुरक्षित हैं, तो मैं धिक्कारता हूं ऐसे चुनाव को। और फिर मुझे देखे हमारे बीच के तथाकथित जो छुट भैया हिंदू कहते हैं ना जिनको, वो मुझे कहते हैं कि यार तू ऐसा मत क्या कर, उनकी 1500 वोट है, मत क्या कर, अरे वोट गई भाड़ में। अगर 27,000 पे 1500 भारी पड़ते हैं, 27,000 पे 1500 भारी पड़ते हैं तो बेकार है। और अशोक सिंगल, प्रवीण तोगड़िया जी जरूर थोड़ी चुनाव लड़े। अरे हमारा जीवन है ना, ये समाज के लिए समर्पित होना चाहिए। हर बात चुनाव नहीं, जरूरी थोड़ी कि हम मुझे चुनाव लड़ना है, कोई जरूरी है क्या? हमारा हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा, धिक्कार है मेरे ऊपर कि अगर हम चुनाव लड़े। हमारा टारगेट है कि हमें अपने बच्चों को सुरक्षित रखना। मेरे सब आप सबसे निवेदन, देखिए 84 से लोग आ रखे हैं, कीर्तनगर की तरफ से आगे, सिरकोट की तरफ से आगे, बिल्कदार से आगे, उफुल्डा की तरफ से, सब जगह से लोग आ रखे हैं। आपने अपने चारों तरफ देखिए, हमने हमने किसी को व्यक्तिगत गाड़ी नहीं लगाई,